गाइस तो कैसे आप लोग आई आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं आमिर खटक आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल गणपति ताबिर में। तो गाइस आज है हमारा कुल देवी यानी कि माँ गंधेश्वरी की पूजा। तो माँ गंधेश्वरी के बारे में बहुत सारी कथा है जो कि आप लोगों को आगे वीडियो में पता चल जाएगा, तो वीडियो को देखते रहिए आखिर तक। जिस देवी के वरदान से आज बंगाल कारोबार का भंडार हो चुका है वो ही माता गंधेश्वरी है। माता गंधेश्वरी के आज महापूजा है। चुरुलिया और आसपास के ऐसे कई सारे जगह हैं जहाँ पर माता गंधेश्वरी का पूजा होता है। बंगाल के वैसे समुदाय के लोगों की कुल देवी माता गंधेश्वरी है। तो माता गंधेश्वरी के बारे में बहुत सारी कथाएं हैं, जिसमें से एक कथा जो मुझे पता है वो आप लोगों को आगे वीडियो में पता चल जाएगा। तो वीडियो में बने रहिए आखिर तक, देखते रहिए क्या क्या होता है आज पूरे दिन में। काफ़ी जगहों पर माता के मूर्ति को कई तरीके से बनाया जाता है, जैसे कि हमारे यहाँ जो माता गंधेश्वरी का मूर्ति है उस पर आप लोग देख सकते हैं माता गंधेश्वरी शेर पर सवार हुए हैं और नीचे एक असुर है गंधासुर नाम का असुर, और माता लक्ष्मी है, ब्रह्मदेव है, इंद्रदेव है और हमारे महादेव है। तो इन सभी देव देवियों का आज पूजा होता है। और मैंने जैसे कि बोला गंधासुर, तो गंधासुर के बारे में जो हिस्ट्री है वो आप लोगों को आगे वीडियो में पता चल जाएगा, और माता गंधेश्वरी को क्यों हमारा कुलदेवी माना जाता है वो भी आप लोगों को आगे वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो में बने रहिए आखिर तक, और कमेंट में जय माँ गंधेश्वरी लिखना मत भूलना, क्योंकि आज गंधेश्वरी पूजा है हमारा कुलदेवी का पूजा। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जय माँ गंधेश्वरी ज़रूर लिख देना। इधर मैं, पंडित जी और एक भाई है, हम तीनों अभी इधर एक तालाब में आ गए पूजा के लिए पानी लेने। तो पानी ले लेंगे फिर मंडप मतलब मंदिर में जाएंगे, उधर पूजा होगा। तो देखिए क्या क्या होता है आज। तो अभी हम लोग इधर पूजा के लिए पानी लेकर आ गए हैं और अभी पंडित जी उस पानी का स्थापन कर देंगे, फिर पूजा चालू होगा। तो जब तक पूजा चलेगा तब तक मैं आप लोगों को माता गंधेश्वरी के बारे में जो कथाएं हैं, हिस्ट्री है वो बताऊंगा। तो देखिए एक समय था जब बंगाल की कारोबार का नाम पूरे दुनिया में गूंज रहा था। तब गंधासुर नाम के एक असुर का नज़र हमारे बंगाल के उस कारोबार पर पड़ गया। एक एक करके सारे कारोबार बंद होने लगे। तब सभी देवताओं ने मिलकर माता आदिशक्ति के पास जाकर उनसे प्रार्थना की कि आप ही गंधासुर का विनाश कर सकते हैं। तब माता आदिशक्ति ने महर्षि दुर्वासा के पास घर में एक छोटे से कन्या के रूप में जन्म लिया। उस कन्या का नाम रखा गंधबनी। उसी कन्या ने फाइनली गंधासुर नाम के असुर का विनाश हुआ और बंगाल का कारोबार फिर से पहले की तरह बरकत लगने लगा और बंगाल का कारोबार पूरे दुनिया में फैलने लगा। तो इसीलिए बंगाल के जो वैश्य समुदाय के लोग हैं यानी कि जो लोग कारोबार के बारे में ज़्यादा जानते हैं वो सभी लोग माता गंधेश्वरी को अपना कुलदेवी मानते हैं, क्योंकि माता गंधेश्वरी ने उन लोगों का रक्षा किया था। सो इसलिए आज चुरुलिया में हमारा कुलदेवी यानी कि माता गंधेश्वरी का पूजा होता है। तो आप लोग बोलेंगे कि भाई मेरा टाइटल तो घटक है, तो घटक सिंपली ब्राह्मण लोगों का टाइटल रहता है यानी कि सरनेम। तो मेरा सरनेम भी घटक है। तो आप लोग बहुत लोगों को लगता होगा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मगर नहीं, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं वैश्य हूँ। माता गंधेश्वरी मेरी कुलदेवी है, मतलब मेरी नहीं, हमारी कुलदेवी है। तो आज मैं उसी पूजा पर हूँ, तो देखिए पूजा को आखिर तक। तो अभी इधर यज्ञ चल रहा है, पंडित जी यज्ञ कर रहे हैं, तो यज्ञ भी समाप्त हो गया। तो देखिए पूजा में आके क्या क्या होता है। Thank you.
वाहन आ गए, सब परिवार आ गए, दुर्गे दुर्गे रुक्मिणी स्वाहा नमो गंधश्री जय दुर्गा वै नमः नमस्ते गुणमये नारायणी नमस्ते साष्टांग प्रणाम तो चुरुलिया में आज गंधेश्वरी पूजा के साथ ही साथ एक और पूजा होता है जो कि है धर्मराज पूजा। धर्मराज भगवान यानी कि यमराज का पूजा होता है हमारे चुरुलिया में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ भक्त लोग हैं धर्मराज जी के, मतलब जीभ पर बड़े बड़े सुइयों को लगाकर, हाथों में त्रिशूल लगाकर इधर भगवान का भक्ति करते हैं ये लोग। तो यहाँ पर वो सभी लोगों को देखिए आप, ये देखिए कितना भीड़ है, आप लोग देखिए एक बार, क्योंकि धर्मराज भगवान। और ये चुरुलिया में बहुत ही फेमस पूजा है क्योंकि जीभ पर सूई, बड़े बड़े सूई, हाथों पर त्रिशूल, ये सब लगाकर ऐसा रैली आई थिंक और कहीं नहीं होता है। जब होता भी है तो मुझे नहीं पता, अगर कहीं होता है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बता देना कि कहाँ पर होता है। तो इधर देख सकते हैं सभी लोग नाच रहे हैं इधर धर्मराज भगवान के सामने, तो देखते रहे आखिर तक। तो अभी शाम का वक्त है, पंडित जी आरती करने के लिए आए और सुबह हमारा इधर पूजा ख़त्म होते होते लगभग 4 बज गए थे, शाम के 4। तो सुबह से बिना कुछ खाए पिए था, एकदम निर्जला उपवास। तो अभी पूजा ख़त्म होते ही घर जाकर कुछ खाया और अभी शाम के वक्त आरती देखने के लिए आ गए हैं। तो देखिए आरती को, जय माँ गंधेश्वरी आज कमेंट में ज़रूर लिख देना, मतलब गंधेश्वरी पूजा है यार हमारा कुलदेवी, तो कमेंट में जय माँ गंधेश्वरी जरूर लिख देना। जो गंधेश्वरी मंदिर है वो बहुत ही पुराना हो गया है, मतलब कभी कभी ऊपर से प्लास्टर भी गिर जाता है, इतना पुराना हो गया है। तो नया मंदिर बनाने का भी प्लानिंग चल रहा है, आई थिंक अगले साल माता गंधेश्वरी का पूजा नए मंदिर पे होगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं नया मंदिर हो तो, मतलब जो लोग चुरुलिया के वैश्य समुदाय के लोग हैं उन लोगों से मैं स्पेशली ये बात बोलना चाहता हूँ कि मंदिर बनाने के लिए प्लीज़ डोनेट कीजिए कुछ, क्योंकि हमारा कुलदेव भी है, कुलदेव के लिए इतना तो करना पड़ेगा।